जामिया लाइब्रेरी कांड को लेकर वीडियो जारी। कोऑर्डिनेशन कमेटी के वीडियो के बाद दिल्ली पुलिस ने जारी किए दो और वीडियो। कुल 6 वीडियो अब तक सामने आए। नए वीडियो में दिख रहा है जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस का गेट। पुलिस वालों को पत्थर मारते नजर आ रहे हैं 15 से 20 नकाबपोश। जामिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में चेहरे ढके नजर आए कई लोग। क्राइम ब्रांच का दावा, 15 दिसंबर को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद थे पत्थरबाज। वीडियो की जांच के लिए दिल्ली पुलिस ने बनाई एसआईटी। पुलिस का तर्क, हुड़दंगियों को पकड़ने के लिए लाइब्रेरी में घुसी थी पुलिस। लाइब्रेरी के भीतर चेहरा ढके सुरक्षा कर्मियों के वीडियो पर क्राइम ब्रांच की सफाई, कहा आंसू गैस का हुआ था इस्तेमाल, इससे बचने की थी कोशिश। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्र शायन मुजीब की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार से मांगा जवाब। जामिया के छात्र का आरोप, 15 दिसंबर को पुलिस ने लाइब्रेरी में घुसकर निर्दोष छात्रों को पीटा। मुजीब ने मांगा 2 करोड़ का मुआवजा, एफआईआर दर्ज करने की मांग। जामिया के वीडियो को लेकर सुलगी सियासत, असदुद्दीन ओवैसी का आरोप, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने झूठ बोला कि पुलिस जामिया यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं हुई। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के वीडियो पर बोले कपिल सिब्बल, सामने आया पूरा सच, लाइब्रेरी में नहीं घुसने की दलील देने वाली पुलिस बेरहमी से छात्रों को पीटती दिखाई दी। जामिया में वीडियो को लेकर बीजेपी का पलटवार, कहा पुलिस ने कुछ भी गलत नहीं किया। शाहीन बाग से प्रदर्शनकारियों को हटाने का प्लान तेज। कोर्ट से नियुक्त वार्ताकार संजय हेगड़े और पुलिस की मुलाकात, सौंपा 2 महीने का बही खाता। शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किए हैं 2 वार्ताकार, साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े कल करेंगे बातचीत। शाहीनबाग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा अगर हर कोई सड़क पर आएगा तो क्या होगा। शाहीनबाग की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन को बताया लोकतंत्र की ताकत, लेकिन कहा नहीं टूटनी चाहिए सीमा। शाहीनबाग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हलफनामा दाखिल करने के दिए निर्देश। 24 फरवरी को फिर होगी सुनवाई। गुजरात में नमस्ते ट्रंप समारोह का आयोजन। ट्रंप के दौरे से पहले अहमदाबाद पहुंचा अमेरिकी दल, 200 से ज्यादा अमेरिकी सुरक्षा कर्मी होंगे तैनात। अहमदाबाद पहुंची ट्रंप की कार, लगेज भी लाया गया। सीएम विजय रूपाणी के मुताबिक अहमदाबाद में 1 लाख से ज्यादा लोग करेंगे ट्रंप का अभिवादन। 24 फरवरी को 2 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के साथ अहमदाबाद रोड से साबरमती आश्रम तक 7 किलोमीटर तक भव्य रोड शो में करेंगे शिरकत। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन में शामिल होंगे पीएम मोदी और ट्रंप, दोनों जनता को संबोधित भी कर सकते हैं। कश्मीर में सोशल मीडिया के जरिए माहौल खराब करने की साजिश। श्रीनगर पुलिस ने दर्ज किए केस, कई यूजर्स निशाने पर। कश्मीर में हालात पर असदुद्दीन ओवैसी का आरोप, कहा अत्याचार का नया रिकॉर्ड बना रही है सरकार। भुज के हॉस्टल में लड़कियों को कपड़े उतारने पर मजबूर करने के आरोप में सख्त कार्रवाई, प्रिंसिपल समेत 4 गिरफ्तार। मुख्यमंत्री बनने के बाद एक्शन में केजरीवाल, ट्वीट कर लिखा दिल्ली में जल्द दूर होगी बसों की कमी की समस्या। पंजाब सरकार में बगावती सुर जारी, पूर्व हॉकी प्लेयर और कांग्रेस विधायक प्रगट सिंह ने अपनी ही सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। जेडीयू से बर्खास्त प्रशांत किशोर राजनीतिक मोर्चे पर आज कर सकते हैं बड़ा ऐलान। बिहार में चुनाव से पहले राजनीति में पुनर्वापसी का प्लान। युवाओं को लेकर पीके ने बनाई अपनी राजनीतिक योजना, सुबह 11 बजे पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे खुलासा। महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड का दावा, उद्धव ठाकरे नहीं लागू होने देंगे एनपीआर। यूपी में आज से बोर्ड की परीक्षा शुरू, लखनऊ में परीक्षा सेंटर पहुंचकर डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने लिया तैयारी का जायजा। चीन में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1800 के पार, जापानी क्रूज में एक और भारतीय नागरिक का टेस्ट पॉजिटिव। मसूद अजहर पर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब, सूत्रों से खबर, पाकिस्तान सेना के सेफ हाउस में मसूद को पना, एफएटीएफ के सामने पाकिस्तान ने कही थी मसूद के लापता होने की बात। आतंक के सामने पाकिस्तान पस्त, मलाला को गोली मारने वाले तालिबानी आतंकी एहसानुल्लाह एहसान के कैद से फरार होने की पुष्टि। फरार आतंकी एहसानुल्लाह पर मलाला पर गोली चलाने के साथ ही पेशावर में आर्मी स्कूल में मासूमों के कत्लेआम का भी है आरोप। पेरिस में हो रहे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक, पाकिस्तान पर ब्लैकलिस्ट होने का मंडरा रहा है खतरा।
पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट होने से बचने के लिए 39 में से 12 देशों के मत अपने पक्ष में करने होंगे। बिहार लखीसराय में कन्हैया कुमार पर चंदन गोरे नाम के शख्स ने उछाली चप्पल, समर्थकों ने पीटा। पुलिस कन्हैया पर चप्पल उछालने वाले को मुश्किल से बचाया, चंदन कुमार गोरे ने कन्हैया पर गोरे समाज को बदनाम करने का आरोप लगाया। गया में सीएए के समर्थन में अनोखा प्रदर्शन, हवन कर विरोध करने वालों के लिए मांगी गई सद्बुद्धि। असम के दीतापोर में सीएए के विरोधी और बीजेपी प्रदर्शनकारियों के बीच हुई झड़प। उज्जैन में संतों ने महाकाल एक्सप्रेस में महाकाल की सीट रिजर्व करने पर जताई खुशी, 12 ज्योतिर्लिंगों की भी सीट आरक्षित करने की मांग। ग्रेटर नोएडा में एसटीएफ के बदमाशों से मुठभेड़, 6 बदमाश गिरफ्तार, लोनी में कपड़ा कारोबारी की हत्या के फिराक में थे बदमाश। बिहार के सोनपुर में शादी समारोह में खाना खाकर 200 बाराती हुए बीमार, तमाम लोग अस्पताल में भर्ती, गांवों में भेजी गई डॉक्टर्स की टीम। रामपुर रियासत के आखिरी नवाब रजा अली खान की संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया लगातार जारी, 16 वारिसों में हो रहा है बंटवारा। नवाब रजा अली की करीब 1000 एकड़ जमीन का अनुमान, विदेश से बने लॉकर में हीरे जवाहरात भरे होने की उम्मीद, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं टूट रहा लॉकर। यूपी के शाहजहांपुर में कस्तूरबा बालिका विद्यालय में छात्रों से पढ़ाई की जगह कराया जा रहा है सफाई का काम, सामने आया वीडियो। सचिन तेंदुलकर को मिला लॉरेंस 20 स्पोर्टिंग मोमेंट का पुरस्कार, बर्लिन में आयोजित है समारोह, तेंदुलकर ने अपने इंस्टाग्राम पर दी जानकारी। अगले महीने न्यूजीलैंड में भारत के दौरे के बाद ज्वाइन करेंगे दो नए सिलेक्टर, आरपी सिंह और सुलक्षण नायक सीएसी में होंगे शामिल। डुप्लेसिस ने छोड़ी साउथ अफ्रीका की कप्तानी, कहा टीम को नए युग की शुरुआत करने में मदद के लिए लिया फैसला। अगले साल भारत में होगा हॉकी का जूनियर मेंस वर्ल्ड कप, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने किया ऐलान। आज से नई दिल्ली में एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप, कोरोना वायरस की वजह से हिस्सा नहीं लेगी चीन की टीम। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप, हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।